श्री राम चरित मानस हमारे जीवन में चरित्र का निर्माण करता है। चरित्र की प्रधानता जीवन में आ जाए तो इंसान भगवान बन जाएगा। चारित्रिक पतन के कारण ही इंसान हैवान बन रहा है। चरित्र की सबसे बड़ी संहिता यदि है तो वो रामायण है, रामचरितमानस। इसलिए घर घर में रामायण होती थी और आज भी है बहुत घरों में। शाम को घर के लोग बैठकर रामायण पढ़ते थे। बच्चों में संस्कार दिया जाता था कि रामचरितमानस को पढ़ो, चाहे दो दोहा, तीन दोहा, पांच दोहा, जितना भी पढ़ो पढ़ो। रामचरितमानस के पढ़ने से चरित्र का निर्माण होता है। भगवान शंकर को तो ये रामचरितमानस इतना प्रिय है कि उन्होंने हृदय में ही धारण कर लिया इसे। सबसे ज्यादा प्रिय रामचरितमानस। भगवान शिव ने भगवान की प्रत्येक लीला को अपनी आंखों से देखा है। भगवान राम इस धरा पर आए तो यह कहकर के आए थे कि भोले बाबा जितनी भी लीलाएं मैं करूंगा उन समग्र लीलाओं में आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो भगवान की जितनी लीलाएं हुई उन समग्र लीलाओं में भगवान शिव का बहुत बड़ा सहयोग है। आपको पहले यह समझना होगा कि कितनी लीलाएं हुई। लीलाएं तो बहुत हैं लेकिन पांच लीलाएं प्रमुख हैं। जन्म लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला। एक बार फिर सुन लो, जन्म लीला, विवाह लीला, वन लीला, रण लीला और राज्य लीला। ये पांच प्रमुख लीलाएं हैं। लीलाएं और भी हैं, उप लीलाएं, विस्तार है लीलाओं का। लेकिन भगवान जब आने लगे इस धरती पर, नारायण से नर बन करके लीला करने का संकल्प लिया तो भगवान शिव से प्रार्थना की कि आपके कारण में आ रहा हूं, क्योंकि आप ही तो कह रहे हैं, सभी देवताओं से, संतों से, सभी से आप कह रहे हैं कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्व सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हुए में जाना। भगवान ने कहा आपने ही तो ढरोड़ा पीटा है, देवताओं से आपने कहा, महात्माओं से आपने कहा, भक्तों से आपने कहा कि रोने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, भगवान सर्वत्र है, लेकिन प्रगट कब होगा? प्रेम ते प्रगट हुए में जाना। आपस में प्रेम करो सब। इसका मतलब यह है कि भगवान तो है लेकिन प्रेम की कमी के कारण भगवान प्रकट नहीं हो रहा है।
आज प्रेम देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी कमी प्रेम की है। आप कहो महाराज ऐसा नहीं कह सकते, आप प्रेम तो सब में है, कैसे कह रहे हैं आपकी प्रेम नहीं है। मैं एक बात कह रहा हूं आपसे, आप अपने परिवार से प्रेम कर रहे हैं और परिवार में भी आपने पत्नी और बच्चों को चुना। सही बात तो यह है, जब तक विवाह नहीं हुआ था तब तक माता पिता से प्रेम करते थे, और विवाह हुआ बच्चे हुए चूल्हा अलग, सिस्टम चेंज। क्यों भाई सिस्टम चेंज हुआ कि नहीं हुआ, गलत बोल रहा हूं तो बताना है? क्यों? इसका मतलब यह है कि पहले माता पिता के प्रति प्रेम था, पत्नी और बच्चे सब हुए तो चूल्हा अलग होने लगा। भले ही किसी के कहने से चूल्हा अलग हो रहा हो, अब ये पता नहीं किसने कहा था। आदित्य योगी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने कि चूल्हा अलग करो, हम गैस सिलेंडर की सप्लाई करेंगे। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो अलगाव की स्थिति पैदा हुई है उसमें कोई ना कोई आगे आया है। समझ गए हो कि नहीं? उसे सोचना पड़ेगा कि मैंने घर के अंदर एक दीवाल खड़ी कर दी है। बोलो दीवाल खड़ी हुई कि नहीं हुई? याद रखना, ये दीवाल जो खड़ी की गई है घर के अंदर, घर की दीवालें रो रही हैं, घर की दीवालें रो रही हैं कि तुमने घर का नक्शा ही बेकार कर दिया। बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया? घर का नक्शा तुमने बेकार कर दिया, ये बीच में दीवाल खड़ी करने की क्या जरूरत थी? तो तुमने कहा दीवालों मजबूरी थी, इसलिए मजबूरी के कारण ये दीवाल खड़ी हुई। खबरदार, इसी मजबूरी को दूर करना है। रामकथा का मंच तुम्हें प्रेरणा दे रहा है। तुम्हारे घर घर में दीवाल खड़ी ना हो, इसके लिए आज मैं इस मंच पर बैठा हूं और आवाहन कर रहा हूं देवी देवताओं का कि आओ और राम कथा के माध्यम से जन समाज को सद्बुद्धि दो कि घर के विरोध की दीवार सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए। ये प्रार्थना मैं कर रहा हूं प्रभु श्री राम से, अपने इष्ट प्रभु श्री राम से, घर घर के विरोध की दीवार समाप्त हो जाए, ये दीवार ढह जाए। परमात्मा के आने में बाधक बना हुआ है यही विरोध। आज भाइयों भाइयों में विरोध हो रहा है, पड़ोसी पड़ोसी में विरोध हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बहुत बड़ी विडंबना है। गांव में देवी देवता बैठे होते हैं, ये देखते हैं और सोचते हैं कि मेरे गांव की ये विडंबना कि आज पड़ोसी पड़ोसी विरोध में है, ये मेरा गांव, ये किसका गांव है? देवी देवताओं का गांव है। बोलो है कि नहीं? तुम्हारे पुरखे पूर्वज पूजते आए कि नहीं पूजते आए देवी देवताओं को? क्या वो देवी देवता नहीं देख रहे हैं कि क्या हो रहा है गांव में? बोलो, जो देवी देवता तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए बैठे हैं, आज वो देवी देवता तुम्हारी क्षुद्र बुद्धि के कारण अफसोस पैदा कर रहे हैं। आज बैठे बैठे सोच रहे हैं कि इन तुम्हारे पुरखों ने हमें बुलाया था और तुम्हारे पुरखों ने हमें यहां स्थापित किया था, लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं इस गांव में? देवी देवताओं को प्रसन्न करने की कोशिश करो, वो प्रसन्न तब होंगे जब तुम आपस में सब प्रेम करोगे, तब वो प्रसन्न होंगे। तुम्हारे प्रसाद चढ़ाने से वो प्रसन्न नहीं होंगे, आपस में प्रेम करने से गांव के देवी देवता प्रसन्न होंगे। इसलिए आपस में प्रेम करने की जरूरत है। प्रेम कैसे होगा? राम कथा ये प्रेरणा देती है तुम्हें प्रेम कैसे होगा।
जब राम का चरित्र सुनोगे और राम कथा सुनने के साथ साथ रामचरित मानस को पढ़ोगे तो निश्चित है कि प्रेम होगा। पढ़ के तो देखो, और केवल इस कान से सुना इससे निकाल दिया इससे काम चलने वाला नहीं है। भगवान शंकर ने कहा कि इस राम कथा को हृदय में रखना है। कहाँ रखना है? केवल कान से सुनकर के इस कान से सुन के दूसरे कान से निकालना नहीं है। भगवान शंकर कहते हैं कि इस राम